हे व्यूअर्स, माय सेल्फ हर्षिका। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 5। इसकी यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 की वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। ये इस पेपर की लास्ट यूनिट है। इसके बाद हमारा पेपर नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल डिसेबिलिटीज खत्म हो जाएगा। बात करते हैं हम 5.1 से, जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर, करंट स्टेटस, नीड्स, इश्यूज एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग विद एन एथिकल फ्रेमवर्क। यानी कि हमें इसमें देखना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में डिसेबिलिटी सेक्टर से रिलेटेड, कि उसका करंट स्टेटस क्या है, नीड्स क्या है, इश्यूज क्या है और इम्पोर्टेंस उस पे जो फ्रेमवर्क है उसका, उस पर वर्क करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम शुरू करते हैं हमारी मेन हेडिंग से, विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसेबिलिटी। रीड करेंगे तो, डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन इन इंडिया हैज़ अ लॉन्ग पास्ट बट अ शॉर्ट साइंटिफिक हिस्ट्री। ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल इनिशिएटेड फॉर बेटरमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, बट अनफॉर्चुनेटली दिस एफर्ट्स आर इंडिविजुअलिस्टिक एंड परहैप्स अनऑर्गेनाइज्ड एंड एड होलिकली इन नेचर थ्रू दे वर कमिटेड टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ डिसेबिलिटी डिसेबल्ड पर्सन। यानी कि जो डिसेबिलिटी की तरफ जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए थे, ये अभी लिए गए, मतलब कुछ टाइम पहले से, जो PWD एक्ट है, RPWD एक्ट है, इनके आने के बाद। नहीं तो इससे पहले जो भी डिसेबल्ड लोगों के लिए काम किया जाता था वो किसी भी ग्रुप या फिर इंडिविजुअल के थ्रू किया जाता था, कोई भी ऑर्गेनाइज सोसाइटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो इसमें यही लिखा गया है कि ग्रुप्स आर इंडिविजुअली इनिशिएटेड बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। यानी कि कोई भी ग्रुप या फिर इंडिविजुअली लोग कोशिश करा करते थे डिसेबल्ड पर्सन्स के बेटरमेंट के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली दीज एफर्ट्स आर इंडिविजुअलिस्टिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एफर्ट्स थे ये इंडिविजुअलिस्टिक थे, यानी कि एक छोटी ग्रुप के या फिर एक सिंगल पर्सन के थ्रू एफर्ट्स दिए जाते थे। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड टीम इसके लिए नहीं थी। डिसेबिलिटी थ्रू अ लार्ज एक्सटेंट इनहेरिटेड, यानी कि जो डिसेबिलिटी वो ज़्यादातर इनहेरिटेड हुआ करती थी। एनवायरमेंट हैज़ अ सब्सटेंशियल रोल टू प्ले इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें कहा गया है कि जो डिसेबिलिटी होती थी वो इनहेरिटेड होती थी और जो एनवायरमेंट था वो एडिशनली रोल प्ले करता था ग्रोथ और डेवलपमेंट की किसी भी डिसेबल्ड इंडिविजुअल की। वन कैन विजुलाइज डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब अगर हम इसका फ्लो चार्ट की तरफ चलें तो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल टेक्नीशियंस, स्पेशल एजुकेटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेम्बर्स, द डिसेबल्ड चाइल्ड। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है कि किसी भी पर्सन को इस तरह से ट्रेन करना या फिर इस तरह से डेवलप करना कि वो कंट्री की ग्रोथ में या फिर GDP में अपना योगदान दे सके। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर, इस टर्म से आप क्या समझते हो कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपना योगदान दे रहे हैं? ऑफकोर्स कोई भी इंडिविजुअल है अगर वो डेवलपमेंट में साथ दे रहा है या फिर कोई काम कर रहा है तो उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो यही चीज़ कही गई है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, वो पढ़ाई करके, ये करके, वो करके या फिर गेम्स में, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। तो ऐसे ही जो डिसेबिलिटी सेक्टर है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में किस तरह से अपना पार्टीशन दिखा सकता है। अब हम आते हैं 5.2 की तरफ। 5.1 में बिल्कुल आपको बेसिक लेके चलना है। 5.2, रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़। अब इंटरनेशनल बॉडीज़ का क्या रोल रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर की तरफ? तो यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP, WHO, इन सभी ने अपना अपना रोल दिया है। अब क्या क्या दिया है वो पढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले आते हैं यूनेस्को पे। आपको डायरेक्ट इन किस किस ने क्या क्या सपोर्ट किया है डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए, आपको वो पढ़ना है। ऊपर जितना भी थ्योरी में दे रखा है वो इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट पॉइंट को लेके चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे बिल्कुल ही। तो यूनेस्को, पर्सन विद डिसेबिलिटी आर मोर लाइकली टू बी आउट ऑफ द स्कूल और लीव द स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन। जो भी डिसेबल्ड पर्सन हुआ करते थे वो ज़्यादातर स्कूल को छोड़ दिया करते थे प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन से पहले ही अपनी डिसेबिलिटी की वजह से। आर्टिकल 24 ऑफ द UN कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी RPWD, स्टिपुलेट्स दैट कंट्रीज मस्ट टेक स्टेप्स टू इंश्योर द डिसेबल्ड पर्सन इंक्लूसिव इक्वली फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। जिसके कारण गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो अपनी पढ़ाई का ध्यान देंगे, इसके लिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया करेंगे। इक्वली बेसिस पे उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी,
उनको सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यूनेस्को प्रमोट्स अफेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज शेयरिंग। इसने प्रमोट किया कि आपको अफेक्टिव नॉलेज दी जाएगी और नॉलेज को शेयर किया जाएगा, जैसे मैंने बताया, बिना डिस्क्रिमिनेशन के उनको हर प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा, हर प्लेटफॉर्म के तरफ उनको मोटिवेट किया जाएगा, जिसके लिए टीचर्स को एम्पावर किया जाएगा, एम्पावरिंग लर्नर्स वेबसाइट उनके लिए हर इनिशिएटिव लिया जाएगा, वेबसाइट भी और डेवलप की जाएंगी, टीचर्स को भी सिखाया जाएगा डिसेबिलिटी से रिलेटेड, ताकि वो अपनी नॉलेज उन तक एक करेक्ट वे में पहुँचा सके। नेक्स्ट, यूनेस्को सपोर्ट्स कंट्रीज इन देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स द इंक्लूजन। यूनेस्को ने बाकी कंट्रीज को मोटिवेट किया इंक्लूजन की तरफ। इंक्लूजन क्या होता है? जिधर नॉर्मल बच्चों को या फिर नॉर्मल लोगों को और स्पेशली एबल पर्सन को सेम लेवल पे रखा जाता है, सेम उनको सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, सेम राइट्स दिए जाते हैं और उन दोनों को सेम नज़रिए से देखा जाता है, इसे इंक्लूजन कहते हैं। तो यूनेस्को ने सारी कंट्रीज़ को प्रमोट किया, मोटिवेट किया इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस रेजिंग। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस रेजिंग ये होता है कि डिसेबल्ड पर्सन्स को उनके राइट्स के बारे में बताया, उनको अपना स्टैंड लेना सिखाया, अगर कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या फिर गवर्नमेंट के दिए गए रूल्स को डिसेबल्ड पर्सन की तरफ यूज़ नहीं कर रहा है तो वो अपना स्टैंड ले सकते हैं, उसके लिए क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। और अवेयरनेस रेजिंग की जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके पास अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनको 40% या उससे ज़्यादा है, तो उनके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर अपना नॉर्मल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी उनके राइट्स हैं उनको उनके बारे में पता होना चाहिए, उन राइट्स को क्लेम कैसे करना है वो उनको पता होना चाहिए। तो एडवोकेसी एंड अवेयरनेस रेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए यूनेस्को ने अपनी तरफ से वर्क किया है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं यूनिसेफ की तरफ, जिसमें हमें पढ़ना है कि यूनिसेफ इज़ द ड्राइविंग फोर्स दैट हेल्प टू बिल्ड अ वर्ल्ड विद द राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड आर रियलाइज्ड। यूनिसेफ वाज क्रिएटेड द पर्पस ऑफ टू वर्क विद अदर्स टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स दैट पॉवर्टी वायलेंस डिजीज एंड डिस्क्रिमिनेशन प्लेट्स इन चिल्ड्रन चाइल्ड्स पाथ। यूनिसेफ बनाया गया है जो बच्चों के पाथ में, उनकी ग्रोथ में जो जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो जो बैरियर्स हैं, उनको सॉर्ट करने के लिए। अब वो कौन कौन से बैरियर्स हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, गरीबी हो गया, वायलेंस हो गया, डिजीज़ हो गया या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया जो उनके साथ किया जाता है, उन पे वर्क करने के लिए, उन बैरियर्स को उनके रास्तों से हटाने के लिए यूनिसेफ वर्क करता है। इसके आगे जो IDA है उसने अपना यूनिसेफ के साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है, ताकि अब जो यूनिसेफ है वो बच्चों के लिए ये सारे स्टेप्स लेता है, तो IDA ने यूनिसेफ के साथ एक कोलैबोरेशन किया, आप ये कह सकते हो, ताकि वो ये सारे स्टेप्स एक डिसेबिलिटी सेक्टर में भी ले सके। तो सीनियर डिसेबिलिटी एडवाइज़र उनको अपॉइंट किया जाता है, जिसकी मदद से ये सारे इनिशिएटिव हम डिसेबिलिटी सेक्टर में भी ले सके। नेक्स्ट, अब हम आते हैं UNDP पे, विच इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम। ये मेनली वर्क करता है, मैं आपको इसी ऐसी ही बता देती हूँ, इनके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो UNDP वर्क करता है पर्सन्स के राइट्स के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए, उनको जो जो राइट्स हैं या फिर उनकी जो जो स्कीम गवर्नमेंट निकालती है उनका हर एक इंडिविजुअल अपनी तरफ से पूरा फ़ायदा उठा सके। ऐसा ना हो कि एक ही पर्सन जिसको सारी नॉलेज है वही सारे बेनिफिट्स ले जाए और दूसरा जिसको पता ही ना हो उसको स्कीम के बारे में पता ही ना चले। नहीं, तो UNDP ये इंश्योर करता है कि हर पर्सन के पास इक्वल राइट्स हो, अपनी फ्रीडम हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कोई भी रिसोर्स का फुल एक्सटेंडेड यूटिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट, अब हम आते हैं, इसकी थ्योरी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप चाहो तो पोस्ट करके रीड कर सकते हो, मैंने आपको ऊपर से बता दिया इनका यही मतलब है। ऐसे पर्टिकुलर एक एक या जैसे कि जैसे ये UNDP या फिर यूनिसेफ, इन सब से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बनता, आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको वो बताते चल रही हूँ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में काफ़ी बच्चों को पहले से पता होगा, फिर भी हम थोड़ा बहुत लेके चलते हैं। तो इम्प्रूव एक्सेस एंड कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी वो हमारी हेल्थ पे वर्क करता है, तो वो अपना एक्सेस यानी कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा है, किस पे? हेल्थ सर्विसेज पे, हेल्थ सेक्टर पे, पर्सन विद डिसेबिलिटी के, जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनके हेल्थ सर्विसेज पे, हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा फोकस में रखता है WHO। गाइड्स एंड प्रोवाइड्स मेंबर स्टेट्स टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द डिसेबिलिटी इश्यूज। वो अलग अलग मेंबर्स को, ग्रुप्स को, गाइड्स को अपॉइंट करता है जो अलग अलग एरिया में जाकर डिसेबिलिटी के इश्यूज को
अवेयर करें. नेक्स्ट फैसिलिटेट्स कलेक्शन एंड डिस एस्टिमेशन ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. वो प्रमोट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड डाटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें, किस एरिया में कौन सी डिसेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, किस वजह से है, किस तरह से हम उस पर वर्क कर सकते हैं. तो ये सारा डाटा वो कलेक्ट करके अपनी फिर एक फाइल को जारी करता है. नेक्स्ट बिल्ड कैपेसिटी अमंग हेल्थ पॉलिसी मेकर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स. वो एक कनेक्शन बनाता है हेल्थ पॉलिसी मेकर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स से, जिसकी वजह से डिसेबल्ड पर्सन को उनकी हेल्थ से रिलेटेड सारी सर्विसेज मिलती रहे. प्रमोट स्ट्रैटेजीज टू इंश्योर पीपल डिसेबिलिटीज आर एक्नॉलेज अबाउट देयर हेल्थ. वो श्योर करते हैं कि जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको अपनी हेल्थ के बारे में पता हो, उनको अपनी एटलीस्ट अपनी हेल्थ अवेयरनेस पता हो कि उनको क्या दिक्कत है, वो दिक्कत क्यों है और उसके साथ वो क्या क्या कर सकते हैं, किस किस चीज़ों के लिए वो कैपेबल हैं. ऑफ कोर्स उनको अपने खुद के बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन हो. तो ये सारे काफ़ी बेसिक पॉइंट्स हैं, आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे सब कुछ, सारे नोट्स दिखते जा रहे हैं. जो मैं आपको बता देती हूँ, पेपर नंबर 1 में यूनिट नंबर 5 है, इसमें से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, वो आएगा भी नीचे आएगा तो आपको पता चलेगा. आई थिंक 5.4 है जिसमें हमें सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने, सिर्फ एक वही है, सिर्फ एक 5.4 ही है जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, वही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बाकी 5.1 5.2 5.3 इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते. इनफैक्ट ये वाले जो पॉइंट्स हैं 5.1 2 3 ये इसी बार RCI ने ऐड किए हैं MD के सिलेबस में, तो इसमें से पॉइंट्स खास नहीं बनेंगे क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये नोट्स है, फिर भी इससे रिलेटेड इसमें कितनी कम इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसके बारे में अभी इतनी रिसर्च हुई ही नहीं है. RCI ने नया सिलेबस इशू किया तो उससे उसके पास जितना मतलब कंटेंट ही इतना है, तो इसमें से क्या ही क्वेश्चन बनेंगे. बट हाँ 5.4 आई थिंक वो आएगा, मैं आपको बताऊंगी, वो इंपॉर्टेंट है. बाकी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है कि WHO क्या होता है, यूनिसेफ क्या होता है, UNDP क्या होता है, थोड़ा बहुत लेके चलना है. इसमें से एज सच हमारे पेपर नंबर 1 से क्वेश्चन नहीं बनते. पेपर नंबर 1 में बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, यूनिट नंबर 1 2 3 4 से, अभी 5.4 से भी ये है जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं. बाकी ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो इसका बेसिक अपनी आपके पास नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं ये वाले पॉइंट्स कवर करा रही हूँ. नेक्स्ट अब हम चलते हैं तो 5.3 आ जाता है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड पॉलिसीज सच एज UNCRPD MDGS एंड SDGS. अब हमें इनके बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले UNCRPD, ये लिखा UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है UNCRPD की. इसमें हमें पढ़ना है द UNCRPD इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच आइडेंटिफाइज द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, जो आइडेंटिफाई करता है डिसेबल्ड पर्सन के राइट्स को एज वेल एज ऑब्लिगेशंस को ऑन द पार्लियामेंट एंड असेंबल टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड इंश्योर दोज राइट्स. जैसे कि ये सभी डिसेबल्ड पर्सन के राइट्स को आइडेंटिफाई करता है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई करता है और फिर उन पर वर्क करके पर्सन्स के डिसेबल्ड पर्सन के राइट्स को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि सारे डिसेबल्ड पर्सन को उनका राइट अच्छे से मिल रहे हैं या नहीं. बाय रेक्टिफाइंग द UN कन्वेंशन इन 2009 द UK कमिटी टू प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फुल इंजॉयमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स. यही कि 2009 में UK ने प्रमोट किया, उस पर वर्क किया कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको उनके सारे राइट्स मिल सके, इंश्योरिंग दे आर फुली इक्वली अंडर द लॉ. एक कानून के तहत द कन्वेंशन कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एरियाज. अभी जो कन्वेंशन है, जो राइट्स हैं, ये काफ़ी सारी रेंजेस को कवर करते हैं कि उन्हें किस किस सेक्टर में राइट्स मिलेंगे. तो वो रेंज कौन कौन सी हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू जस्टिस, पर्सनल सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंट लिविंग एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. तो ये सारे वो सेक्टर्स हैं जिसमें डिसेबल्ड पर्सन को अपने राइट्स का ध्यान रखना है, इन सभी सेक्टर्स में उन्हें प्रॉपर राइट्स दिए जाएंगे. नेक्स्ट अब हम आते हैं MDG पे, जो है MDGS की फुल फॉर्म, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, विच रेंज फ्रॉम हैविंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये यानी पॉवर्टी में आ जाता है, फाइनेंसिंग लाइन में आ जाता है, टू हेल्पिंग अ स्प्रेड ऑफ HIV एंड AIDS, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन. ये इंश्योर करते हैं कि सबको इंफॉर्मेशन एजुकेशन प्रोवाइड की जाए HIV और AIDS से रिलेटेड. However, a key failure of MDGS has been inclusion of disability issues and disabled people in the process.
10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड, यानी कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसमें से 10% जो लोग हैं वो डिसेबल्ड हैं. एंड नॉट येट MDGs इंडिकेटर सेटेड द राइट्स एंड नीड्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन. और अभी तक भी जो MDGs है उसने प्रॉपरली डिसेबल्ड पर्सन के राइट्स और नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो ये इसका की फेलियर रहा है. द इम्पैक्ट ऑफ द इंक्लूजन इज कंसिडर्ड, इस इंक्लूजन का क्या क्या इम्पैक्ट आया वो है. ओनली 1-2% ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन इन डेवलपिंग कंट्रीज गो टू स्कूल, यानी कि जितने भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उसमें से सिर्फ 1-2% ही स्कूल जा पाते हैं. 82% ऑफ डिसेबल्ड पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन. जो 82% लोग हैं ये डिसेबल्ड पर्सन से, जो 82% लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं. अब आप खुद देखो, हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी डिसेबल्ड लोगों को, जिसका फ़ायदा कितने लोग उठा पा रहे हैं, सिर्फ 1-2% तक. हमने पॉवर्टी का पॉइंट भी ऊपर पढ़ा था कि उन पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी डिसेबल्ड पर्सन को, उन पर वर्क किया जाएगा ताकि वो अपनी पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके. उसके बाद भी 82% लोग 82% डिसेबल्ड लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं. तो आप ये देखो कि गवर्नमेंट राइट्स तो बना रही बट वो राइट्स उन डिसेबल्ड लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं. नेक्स्ट अब हम चलते हैं द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, ये SDGs की फुल फॉर्म है जो हमने ऊपर हेडिंग में पढ़ा. तो ये SDGs की फुल फॉर्म है, द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. इसमें हमें पढ़ना है कि द CRPD सिग्निफिकेंटली अल्टर द एनवायरमेंट एंड द एक्सपेक्टेशंस एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. इसमें ध्यान रखा जाता है पर्सन के पार्टिसिपेशन का. अब आपने देखा हमने तीन टर्म्स पढ़ी इस वाले 5.3 में, इन तीनों का अलग अलग वर्क है. इसके ऊपर वाले का फाइनेंसिंग में था, अब इसमें है पार्टिसिपेशन में कि सारे डिसेबल पर्सन का उनकी सोसाइटी में फिर उनकी एक्टिविटी में प्रॉपर पार्टिसिपेशन है या नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है. द 2030 एजेंडा, अब 2030 का एजेंडा ये टारगेटेड है कि शुड बी यूज टुगेदर इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा. हर कंट्री में CRPD को इम्प्लीमेंट किया जाए. लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि एक भी पर्सन को, कोई भी पर्सन पीछे ना रह जाए. अब हमने ऊपर पढ़ा था ना कि सिर्फ 1-2% चिल्ड्रन ही स्कूल जा पा रहे हैं, 82% अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे. क्यों? क्योंकि कुछ लोग पीछे रह गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है राइट्स के बारे में, तो वो क्लेम कहाँ से करेंगे. तो जो CRPD है उसका एजेंडा है 2030 का कि लीव नो वन बिहाइंड, ये उस एजेंडे का नाम है, लीव नो वन बिहाइंड, यानी कोई भी पीछे ना रह जाए, कोई भी पीछे ना छूट जाए. इज द ओवररीचिंग प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स. ऑल द टारगेटेड ऑफ द 2030 एजेंडा वाज यूनिवर्सल, दैट दे इंक्लूड एवरीबडी विदाउट एन एक्सपेक्टेशंस, कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए ये सभी लोगों को इंक्लूड करेंगे, कोई भी पीछे ना रहे, कोई भी छूट ना जाए. UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सबके राइट्स पे बात की जाएगी, सबको उनके राइट्स के बारे में बता दिया जाएगा, सबको उनके बिहाफ पे प्रमोट किया जाएगा. लीव नो वन बिहाइंड, यानी किसी को भी बिना पीछे छोड़े, ये है CRPD का 2030 का एजेंडा. अब हम आगे हैं 5.4 की तरफ, जिसमें मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का. जो भी पेपर नंबर 1 की यूनिट नंबर 5 है ना, कंप्लीट यूनिट नंबर 5 में सिर्फ एक और एक सिर्फ यही टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा, जो है रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स. यानी आपको इन सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ना है. अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको, ये कब एस्टेब्लिश हुए, इनकी डेट और ईयर क्या है, ये किस किस चीज़ों पर वर्क करते हैं, किस डिसेबिलिटी पर वर्क करते हैं, और इनकी फुल फॉर्म्स, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए. स्क्रीन पर आपको नोट्स लिख रहे हैं, आप पोज कर करके पढ़ते रहना, थोड़ा थोड़ा मैं भी बताती जाऊँगी. और अगर आपको एडिशनल नॉलेज चाहिए तो किसी भी एक का नाम, जैसे सपोज निपिड है, किसी भी एक का नाम गूगल पर सर्च करके निपिड की वेबसाइट पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी आप किसी एक का नाम लिखोगे ना तो उसी की वेबसाइट पे आपको उसकी ए से लेके जेड तक की सारी नॉलेज मिल जाएगी, तो आप वो भी पढ़ सकते हो. इनके बारे में एग्ज़ाम से अलग आपको पर्सनल भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स. नेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कि लोगों को पता चले डिसेबल्ड लाइन को हम प्रमोट कर सके, अलग अलग डिसेबिलिटी को प्रमोट कर सके, लोगों को ट्रेन कर सके. जो डिसेबल्ड है वो तो हैं, उनको तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बट जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, क्या कर रहे हो, इस लाइन में पढ़ रहे हो, इस लाइन में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है,
किस वजह से, ताकि हम डिसेबल्ड पर्सन के साथ डील कर सकें, उन्हें पढ़ा सकें, उन्हें सिखा सकें। तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट्स का ऑब्जेक्टिव मेन, कि डिसेबिलिटी सेक्टर को प्रमोट करें, लोगों को ट्रेनिंग दे, उनको टूल्स या फिर असिस्टिव एडिप्टिव डिवाइसेस या फिर स्कीम्स इवेंट्स सब ऑर्गेनाइज कर सके, सब डिसेबिलिटी के प्रस्पेक्टिव से। अब हम एक एक करके इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे है निपविड, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, निपविड जो है देहरादून में। ये भी याद रखना है कि ये कहाँ है, देहरादून में है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स न्यूमरस सपोर्ट टू द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो लोग डिसेबल्ड होते हैं उनको। गवर्नमेंट इज़ गिविंग स्पेशल अटेंशन टू द पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़। जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो विजुअली डिसेबल्ड हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, इंक्लूडिंग द ब्रेल सिस्टम इन द एजुकेशन सेक्टर। और जिसके लिए, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि गवर्नमेंट जो ब्लाइंड पर्सन है उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है, उनकी तरफ एक्स्ट्रा अटेंशन प्रोवाइड करती है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि एजुकेशन सिस्टम में ब्रेल को भी इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि जो ब्लाइंड है वो ब्रेल से ही पढ़ते हैं ना, ब्रेल ही समझते हैं, ब्रेल ही लिखते हैं, तो उन्होंने ब्रेल में भी बुक्स निकाली हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ब्रेल को भी एक पोजिशन दे दी गई है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ब्लाइंड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबल्ड, द ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग अ हैंड होल्डिंग सपोर्ट, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मेडिकल सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ब्लाइंड सेक्टर में। जो लोग ब्लाइंड हैं, ब्लाइंडनेस है उनकी डिसेबिलिटी, उनको ये सारी एडिशनल सपोर्ट दिया जाता है कि उनको रिहैबिलिटेशन सर्विसेज मिल रही हैं, उनके पास उनसे उनके साथ थेरेपीज हो रही हैं, उनको हैंड ऑन लर्निंग सिखाया जा रहा है, एजुकेशनल सर्विसेज दी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, मेडिकल सर्विसेज दी जा रही हैं। निपविड टेकिंग द मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज। हम जो कोर्सेज कर रहे हैं ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंडर में ही आता है। निपविड भी एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है अपने तरफ से लोगों को कोर्सेज प्रोवाइड करने में, स्पेशल एजुकेशन का, डिप्लोमा में या फिर बीएड में, नॉर्मल लोगों को ट्रेन करता है ताकि वो ब्लाइंड लोगों के साथ डील कर सके, उन्हें सिखा सके। नेक्स्ट, रिसर्च डेवलपमेंट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, इन सभी चीज़ों में वो कोर्सेज डेवलप करता है। देयर इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मेक देम टू एडुकेट एंड लर्न द ब्रेल सिस्टम। उनका मेन मोटिव है कि जो नॉर्मल हो गया, यानी जो हम हैं, वो ब्रेल सीख सकें, उसको समझ सके, ताकि अगर हमें आता होगा तो हम ब्लाइंड लोगों के साथ डील कर पाएंगे। तो इसलिए निपविड का मेन मोटिव है कि हम नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल पर्सन को ब्रेल सिखा सकें, उन्हें समझा सके, ताकि आगे चल के हम ब्लाइंड लोगों को ब्रेल के थ्रू एडवांस स्टडीज प्रोवाइड कर पाएँ। तो ये था निपविड का। ऐसे ही आपको काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स का पढ़ना है जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अली आवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ जो बॉम्बे में है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो सिकंदराबाद में है, ऐसी निपमेड चाइना में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ दिल्ली में है, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च कटक में है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी नाइल कोलकाता में है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली में है। तो ये अब इन नोट्स में निपविड के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, तो मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छे से बता दिया। अब ये जो सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, इनके एक सिंगल सिंगल आप इनकी पर्टिकुलरली वेबसाइट पे जाके इनके बारे में पढ़ो, इनके बारे में समझो, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है वो तो ये यहाँ पे लिखा है, जैसे बॉम्बे में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, लेकिन इनसे रिलेटेड और नॉलेज, जैसे हमने निपविड के बारे में पढ़ा, ऐसे इनसे रिलेटेड और नॉलेज, क्या करते हैं, किस चीज़ में ये ज़्यादा वर्क करते हैं, कब इस्टेब्लिश हुए हैं, ये सब आपको इनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा 5.4 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। मैंने एक इंस्टीट्यूशन के एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके सर्च करके रीड कर सकते हो, कर सकते हो नहीं, करना चाहिए। इसमें से किसी भी एक इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सर्विसेज एंड इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स।
ऑफ कोर्स अब इसमें बताया गया है कि हमारी जो डिसेबिलिटी सेक्टर है उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ये तो आप सबको ही पता है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है आज के टाइम में। टेक्नोलॉजी से कितनी सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, जिसमें से हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो अ पर्सन इज ब्लाइंड दैट नाउ प्लेज अ बिल्स ऑनलाइन, यानी कि कोई पर्सन ब्लाइंड है फिर भी वो अपने बिल्स को ऑनलाइन पे कर पा रहा है। कैसे? क्योंकि फ़ोन में ऑडिबल ऑप्शन भी है, अब जो फ़ोन में चलता है वो फ़ोन बोलता भी है, इसलिए जो ब्लाइंड पर्सन है वो सुन के अपना एक एक स्टेप करके ऑनलाइन बिल पे अब कर सकता है। अ व्हीलचेयर यूज़र हु इज़ एबल टू यूज़ इंटरनेट एक्सेस ट्रेनिंग एट द टेरिटरी लर्निंग इंस्टीट्यूशन, आपको व्हीलचेयर यूज़र है वो चल नहीं सकता फिर भी वो ऑनलाइन अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है। अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द यूज़ ऑफ देयर लिम्स बट कैरी आउट डे टू डे बिजनेस यूजिंग वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, एक पर्सन है जिसने अपने लिम्स का यूज़ नहीं कर सकता, लिम्स हमारे फोर लिम्स होते हैं ना, हाथ, दोनों हाथ और दोनों पैर, अपने लिम्स का यूज़ नहीं कर सकता फिर भी वो एक बिजनेस कैरी कर सकता है। किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से। अ ब्लाइंड पर्सन हु रीड्स प्रिंटेड पेपर डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग कैमरा ऑडियो एंड टेस्ट रिकॉग्नाइजेशन कैपेसिटी ऑफ अ स्मार्टफोन, एक ब्लाइंड पर्सन है वो अखबार पढ़ सकता है। कैसे? एक ऑडिबल सिस्टम का यूज़ करके अपने स्मार्टफोन की मदद से। उसने कोई भी टेक्स्ट सर्च किया, हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं अपनी ऑडियो से, तो हमें आंसर स्क्रीन पर तो दिखता ही है बट स्पीकर भी तो बोलता है ना उसका आंसर, तो ये सारी टेक्नोलॉजी तो है। अब हम तो देख सकते हैं बट जो ब्लाइंड पर्सन है वो नहीं देख सकता, वो सुन के उस चीज़ को आगे परफॉर्म कर सकता है, समझ सकता है। तो ये सब होता है हमारे टेक्नोलॉजी का यूज़, जो आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे कि बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट द मीन्स थ्रू विच डिजिटल इंटरफेयर विद द पब्लिक सच एज वेबसाइट एप्स इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, सब ध्यान रखते हैं कि उन्हें प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे एक डिसेबल्ड पर्सन को पूरा सपोर्ट दिया जाए। तो हमें इस पॉइंट में 5.5 में टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं। इसमें आप पॉइंट्स अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो कि एक टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ रहता है किसी भी डिसेबल्ड पर्सन की लाइफ में, और टेक्नोलॉजी एक डिसेबल्ड पर्सन को किस हद तक कैपेबल बना सकती है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के। तो 5.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मैंने 5-6 बार रिपीट कर दिया, मैं फिर से बता रही हूँ, जिसमें आपको सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता हो, एक एक इंस्टीट्यूट जाके सर्च करके उसके बारे में रीड करो, याद नहीं करना सिर्फ रीड करो, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में बिठा लो कि किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में पूछना आए तो आप उसकी फुल फॉर्म कहाँ है और कब इस्टेब्लिश हुई सारी डेट सब मेंशन कर सको। इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 5 खत्म होता है। तो इसी के साथ हमारा पेपर नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगी, आके अपने डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहीं पे हमारा पेपर नंबर 1 खत्म होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे पेपर नंबर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।